हेलो फ्रेंड्स, गाड़ी टाटा पंच। इस गाड़ी का मैं आपको बताऊंगा परफॉर्मेंस कैसा है हाईवे के ऊपर, कितनी स्टेबल ये गाड़ी है, सीटिंग पोस्चर कैसा है, पीछे की सीट कितनी कंफर्ट है, मतलब बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं कि मैं हाईवे के ऊपर 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर चला के आपको सारी चीज़ें बता दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं इसको चला रहा हूँ लगभग 400 से 500 किलोमीटर लगातार, और जो फील मुझे होगा, जैसा फील होगा गाड़ी के अंदर, कैसा परफॉर्मेंस है, कितनी पावर है, सारी चीज़ें मैं आपके साथ बिल्कुल जेन्युइन शेयर करूंगा। और इससे बहुत सारे लोगों को हो सकता है अपना डिसीजन लेने में फ़ायदा मिले। कुछ लोग ऐसे होंगे जो पंच अभी लेने का सोच रहे होंगे, या फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास ऑलरेडी पंच है, जिनके पास पंच होगी वो भी मेरी बातों को वेरीफाई कर पाएंगे। वैसे कोशिश रहेगी मेरी कि जितना एक्यूरेट से एक्यूरेट है मैं सारी चीज़ें शेयर करूँ। अगर कुछ लगेगा मुझे कि हाँ ये पॉइंट है ऐसा नेगेटिव बताने लायक, तो वो आपके साथ शेयर करूँगा। कुछ खासियत दिखेगी तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं वीडियो। तो अभी लगभग 150 किलोमीटर से ज्यादा हम लोग चल चुके हैं हाईवे पे, और आज मैं बैठा हूँ ये पैसेंजर सीट पे, मेरे बड़े भाई साहब चला रहे हैं गाड़ी, और पीछे बैठे हैं मेरे अंकल जी, और ये एडी और बच्चे, ये सारे लोग बैठे हुए हैं। एज ए पैसेंजर रियर सीट पे जो अंकल जी बैठे हुए हैं, अंकल जी की हाइट लगभग 6 फुट के आसपास है, क्योंकि 150 किलोमीटर में लगभग एक दो झपकी अंकल सो भी चुके हैं, पीछे बैठे हुए हैं। तो अभी अंकल जी आप चल के आए गाड़ी के अंदर बैठ के, आप इसी पोस्चर पे बैठे हैं, कैसा लग रहा है गाड़ी में बैठ के? बहुत अच्छी गाड़ी है, आरामदेह है, सीट बहुत अच्छी है, कंफर्ट है। और ड्राइवर से बात करने पे एवरेज भी 22.5 है। 22.5 एवरेज आपने MID पे देखा? तो अंकल जी ने ये डिस्क्लोज कर दिया फिलहाल, ये चीज़ मैं अभी आगे बताने वाला था, कोई बात नहीं। तो पापा जी ने बता दिया कि MID पे अभी जो शो हो रहा है वो 22 शो हो रहा है, चलिए वो आगे भी बताएंगे। अभी टैंक टू टैंक कितना आता है? स्पेसियस है, पैर पूरे खुले हुए हैं। पैर कितना है, सीटिंग पोस्चर में कितना जगह मिल रही है अंकल आप? बहुत खुले, बिल्कुल कहीं टच नहीं हो रहे, बिल्कुल कहीं नहीं, लगभग इतना स्पेस आपका बाकी है। 6 इंच बाकी है, कम से कम 6 इंच बाकी है, और 6 फुट के आसपास, ऊपर भी 6 इंच के करीब ऊपर है। बहुत अच्छी गाड़ी है। तो वैसे अंकल आप गाड़ी भी चलाते हो, बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं, और अंकल तो अच्छी चलाते हैं, मतलब वो मीटर नहीं देखते, पहले पंजा देखते हैं कितना मैं दबा सकता हूँ, हम लोगों से ज़्यादा अच्छी चलाते हैं अंकल। तो मैं एक बार अंकल से ही पूछूँ, पीछे बैठने के बाद जो मोस्टली तो अंकल ड्राइव ही करते हैं, पीछे कम बैठते हैं, आज ये पीछे बैठ के चल रहे हैं, तो इनको जो फील हो रहा है गाड़ी के अंदर, क्या आपको ऐसा फील आ रहा है कि आप SUV में बैठे होंगे? हाँ, जैसे मारुति ब्रेजा की जैसी गाड़ी है, ब्रेजा के जैसा महसूस हो रहा है, ऊंची गाड़ी है अच्छी। और जो मैं अभी बैठा हुआ हूँ को पैसेंजर सीट पे, अगर मैं बात करूँ यहाँ बैठने के लिए, तो यहाँ बैठना एक तरह से बिल्कुल कंफर्ट फील कराता है, लेकिन एक थोड़ी सी मिस्टेक है गाड़ी के अंदर, वो गाड़ी की मिस्टेक है या फिर डिज़ाइन का है, वो क्या है वो बताया था। ये जो सीटिंग पोस्चर है जब आप बैठते हैं, ये आपको इतना ज़्यादा कंफर्ट फील नहीं कराता, आपको बार बार पीछे सेट होना पड़ता है, मतलब ऐसा लगता है कि बार बार हम पीछे हों, नीचे की तरफ जा रहे होते हैं, और इसका जो पोस्चर है थोड़ा सा फ्लैट है, सीधा फ्लैट। बाकी चलने में और यहाँ बैठ के एज ए को पैसेंजर मुझे अच्छा लग रहा है, यहाँ का व्यू मतलब बिल्कुल बराबर मिल रहा है, जो शीशा है मेरा बिल्कुल साइड से, सब कुछ परफेक्ट। हाथ रखने के लिए अगर मैं हैंडरेस्ट की तरह इसको यूज़ करूँ तो बहुत आराम से यूज़ कर सकता हूँ। थाई सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ नीचे, तो ये इतना अच्छे से नहीं मिल पाता, अगर मैं जूते आगे कर दूँ तो बहुत ज़्यादा नहीं जाते, ठीक है, फिर भी ये पैर मेरा ऐसे हवा में ही रहता है, तो मैं क्यों ना इसको ऐसे ही रख लूँ, ऐसे रखने के बाद ये इस तरह से रहता है बस। बाकी चीज़ें मैं अभी ड्राइविंग सीट पे जब आऊँगा तो वो शेयर करता हूँ आपके साथ। तो अभी मुझे चलते हुए किलोमीटर हो गए हैं 268 किलोमीटर, बहुत बढ़िया हाईवे है जिसके ऊपर आप समझ सकते हो कि हाँ एक अच्छी खासी लोग स्पीड मेंटेन करते हैं, लेकिन मैंने इस रोड पे भी स्पीड को बहुत ज़्यादा ऐसा मेंटेन नहीं किया, 80-90 बहुत गया, तो 100 भी मतलब कभी एक दो सेकंड के लिए गया होगा, इससे ज़्यादा नहीं गया। अभी मैं बात कर रहा हूँ हाईवे पे गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा है, हिल के ऊपर मैंने गाड़ी का परफॉर्मेंस टेस्ट किया कि हिल के ऊपर गाड़ी क्या परफॉर्म कर रही है, क्या फील करा रही है, सारा ओपिनियन आप लोगों के सामने मैंने शेयर किया। कई कुछ लोग ये सोचेंगे कि इनके पास टाटा पंच है, इन्होंने बाय किए, तो कभी भी अपनी सिलेक्शन को गलत दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे, और उसका पॉजिटिव ही पॉजिटिव बताएंगे ताकि वो सही साबित हो। तो वो मैं आप लोगों को बता दूं, मेरी ऐसी आदत बिल्कुल भी नहीं है, अगर जो चीज़ मैंने सेलेक्ट की है तो ज़रूरी नहीं कि वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी हो, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव ज़रूर उस चीज़ में होंगे। मैं यहाँ पे अपनी एक जिम्मेदारी समझता हूँ कि जब इस प्लेटफॉर्म पे मैं बोल रहा हूँ तो बहुत सारे लोग इससे डिसीजन ले पाएंगे, इससे अपना माइंड बना पाएंगे गाड़ी की तरफ जाने के लिए या फिर उसकी तरफ रुकने के लिए। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि मेरा जो जेन्युइन ओपिनियन है वो आपके साथ शेयर कर दूं, और आपको गाड़ी लेते समय आपका क्राइटेरिया अगर उससे मैच कर रहा होगा तो आप गाड़ी ले लीजिएगा। सबसे पहली चीज़ जो इस पंच के बारे में निकल के आती है, लोग ये कहते हैं कि साहब पंच अंडर पावर है, तो मैं ये मानता हूँ
कि पंच हाँ इंजन थोड़ा बहुत अंडर पावर है, लेकिन जितने की हमें ज़रूरत नहीं है उतना ही अंडर है। वो जो एक्स्ट्रा वाला पावर होती है ना, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं होती, मुझे इतनी ही पावर की ज़रूरत होती है जितना ये अभी डिलीवर कर रही है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कुछ भगाना नहीं है गाड़ी को। हाँ, जो लोग गाड़ी को भगाते हैं, एक हाई स्पीड में गाड़ी को चलाते हैं, उनको ज़रूर ऐसा फील होगा, उनको ओवरटेक करते समय ऐसा फील होगा कि मेरी गाड़ी बीच में रुक रही है। दूसरी चीज़, मुझे ऐसा फील क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैं ओवरटेक करने से पहले ही मोमेंटम गाड़ी का बनाता हूँ, फिर उसको चलता हूँ। मतलब एक पुराने टाइम से गाड़ी चलाने वाला हूँ, तो मुझे वो चीज़ फील नहीं होगी। हो सकता है वो चीज़ आपको फील हो। कि लॉन्ग ड्राइव में हाईवे पे अगर आप परफॉर्मेंस देख रहे हैं, तो उसमें एक बड़ा पॉइंट ये आता है कि आपका सीटिंग पोस्चर कैसा है, आप गाड़ी के अंदर कैसे बैठे हुए हैं, आपकी कंडीशन क्या है और कितने कम्फर्टली आप बैठ पा रहे हैं। मैं इस पर कुछ बहुत ज़्यादा कम्फर्ट फील नहीं कर रहा, मतलब सीट की जो पोजिशन है वो थोड़ी सी मेरे हिसाब से ऑड है, और हो सकता है आप लोगों में से भी कुछ लोगों के हिसाब से ऑड हो। मेरी जो हाइट है लगभग 5'10" के आसपास है। अब उस हाइट के हिसाब से जब मैं सीट को एडजस्ट करता हूँ, तो मुझे 2-3 बार सीट को एडजस्ट करना पड़ता है। 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जब मैं चल जाऊँगा, तो 10-20 किलोमीटर चलने के बाद फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा सीट से नीचे की तरफ जा रहा हूँ, फिर मुझे ऊपर होना पड़ता है। मुझे बैक पेन की प्रॉब्लम मतलब शुरू से है, तो मैं गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा एक कंफर्ट पोजीशन में बैठना पसंद करता हूँ। थोड़ा सा भी डिसकंफर्ट होता है तो मुझे बैक पेन होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे वो बैक पेन मुझे हल्का हल्का फील हो रहा है, क्योंकि मतलब वो जो सीट है एक सिक्योर फीलिंग नहीं करा रही, बैक से बिल्कुल ऐसा लग के नहीं रह रही है। तो सीट को अगर मैं बोलूँगा, तो सीट इसकी एक नेगेटिव पॉइंट है। फिलहाल मैं उसको आगे चेंज वेंज भी करने वाला हूँ, वो चीज़ भी आप देख पाओगे। इसका जो एक्सेलेरेटर पैडल, ब्रेक पैडल और क्लच पैडल है, ये तीनों चीज़ें बहुत नज़दीक नज़दीक हैं। कई बार क्या होता है कि जूते से दूसरा पैडल टकरा रहा होता है, और वो हाईवे पे ये चीज़ें मैटर करती हैं। मतलब हाईवे पे ये होता है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, थोड़ा सा भी आपने इधर उधर किया तो आप दबाने जा रहे हैं क्लच और दब गया ब्रेक, तो थोड़ा सा वो अलग होता है। इसके अलावा मुझे गाड़ी को चलाने में फील आ रहा है ऐसा कि हाँ, मैं कोई एक छोटी SUV टाइप गाड़ी चला रहा हूँ। फुल SUV वाला फील भी नहीं है, और लेकिन हाँ, हैचबैक कार वाला फील भी नहीं है। और मैं अगर इसको लेके जाऊं और अच्छे रास्तों पे और ख़राब रास्तों पे दोनों का मिक्सचर मुझे क्रॉस करना हो, तो मैं इस गाड़ी को सेलेक्ट कर लूँगा, कि कुछ रास्ते मुझे रास्ते में ख़राब भी मिलेंगे और कुछ अच्छे भी मिलेंगे। कंफर्ट भी फील कराएगी, और रास्ते में उन जगहों पे उन सिचुएशन पे हार भी नहीं मानेगी, कहीं नीचे टकराई भी नहीं। ऊँची गाड़ी है, व्हील बेस बड़ा है, और दूसरी चीज़ सेफ्टी के मामले में मतलब 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग लेके आई है, तो एक अच्छी बात है। मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऐसा मैटर नहीं करता सेफ्टी वाला, मैटर करता है लेकिन वो थोड़ा सा एक अलग है। वो मैं आपको कभी आगे समझा दूंगा क्यों नहीं मैटर करता, क्योंकि मेरे लिए उससे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है ड्राइविंग हैबिट के ऊपर। अगर आपकी ड्राइविंग हैबिट अच्छी होगी तो फिर आप अच्छे सेफ रह पाओगे। वो किसी दिन मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसके बारे में आपको बता दूंगा, फिलहाल इस चीज़ को छोड़ते हैं। लेकिन हाँ, गाड़ी सेफ है, 5-स्टार रेटिंग लेके आई है, अच्छी बात है। थोड़ा सा आपको इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ क्या करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ सिर्फ इतना करना पड़ता है कि हाँ, वो अंडर पावर वाली फीलिंग जब आपको ओवरटेक कर रहे होते हैं। अभी मैं आपको ओवरटेक एक करके भी दिखाता हूँ। सोचो अभी थोड़ा सा डाउन टाइप में ये ट्रक वाले भाई साहब को मैं ओवरटेक करूँगा, और ओवरटेक मुझे यहीं से करना होगा। मैंने एक्सेलेरेटर फुल प्रेस किया, गाड़ी निकल गई। अब इनको भी ओवरटेक करूंगा। अब आप देखना, फुल प्रेस किया मतलब मोमेंटम मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। अभी गाड़ी अब 5th गियर में डाली मैंने। अगर मैं वहाँ पे टॉप गियर में होता, लगभग 80-90 की स्पीड में था, अगर मैं टॉप गियर में था तो मोमेंट बनाने में थोड़ा सा ये टाइम लगाती। 4th गियर में था, उसके बाद मैंने 5th गियर शिफ्ट किया। और हाँ, एक चीज़ जो मुझे इस समय फील हुई, देखो सीटिंग पोस्चर मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज़ मुझे क्या होता है, जब ये मेरा घुटना जो है ना, ये इधर टकराता है, मैं कितनी भी सीट को पीछे कर लूँ, मैंने कोशिश किया कि सीट को मैं थोड़ी सी पीछे कर लूँ, शायद सब कुछ ठीक हो, लेकिन नहीं, ये घुटना फिर भी टकराता है। इधर जाते हैं तो यहाँ टकराता है, तो आपको ये थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ेगा। जब झटके लगते हैं तो हल्का हल्का टकराता है, और ये बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है हमारा, ये डैमेज हो जाता है अगर कहीं भी घुटना टकरा रहा है तो। ये मेरे साथ एक बार ऐसा हो चुका है बुलेरो के अंदर, तो मैं इससे बड़ा डरता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा वो इशू इसका आ रहा है। एक चीज़ और आ रही है मेरे को इशू, क्या गाड़ी जब मैं ड्राइव कर रहा हूँ और चलाते समय जब हाईवे पे इसका स्टेयरिंग एक कंडीशन आती है कि हार्ड हो जाता है, तो जब वो हार्ड होता है थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही हार्ड हो जा रहा है। अगर मैं चाहूँ कि इसको एक हाथ से रिलैक्सली ड्राइव करूँ तो मेरा हाथ ये थकने लगता है। और रही बात को पैसेंजर सीट पे, मैंने आपको ऑलरेडी आपको बता दिया कि कैसा मुझे फील हुआ। रियर पैसेंजर की क्या फीलिंग थी, पिछली सीट पे बैठ के क्या फील होता है, वो मेरे ख्याल से अंकल जी ने बता दिया होगा अपने हिसाब से, तो आप लोग समझ जाएंगे। तो अभी
लगभग सारी चीज़ें मुझे लगता है मैंने आपके साथ शेयर कर दी होंगी। लाइट की भी मैं आपको बता देता हूँ कि लाइट की पावर कैसी है, लाइट देखने में कैसी है। बाहर का एक अच्छा खासा जो व्यू होता है वो आपको मिल जाता है। अगर लो बीम जला रहा हूँ तो देखिए नीचे का व्यू दिख रहा है, और हाई बीम में एक ठीक ठाक व्यू आ रहा है। हाईवे पे चलने में कहीं से कहीं तक कोई परेशानी नहीं है। साइड एंगल व्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है लाइट के लिए, कि आपकी लाइट साइड एंगल का कितना ज़्यादा व्यू को कवर कर रही है। तो अभी आपके सामने दिख रहा है आपको कि कितना एंगल कवर कर रही है, एक अच्छा खासा एंगल कवर कर रही है। मतलब मेरे हिसाब से मुझे गाड़ी से कोई ऐसी बहुत बड़ी कंप्लेन नहीं है। छोटी मोटी कमियां बेसियां वो तो होती रहती हैं, कोशिश करूंगा कि उन चीज़ों को मैं रेक्टिफाई कर पाऊं, जैसे कि जिसमें कि एक कंफर्ट जो चीज़ है ड्राइविंग कंफर्ट, कोशिश करूंगा कि कुछ ना कुछ उसके साथ कर पाऊं। अगर कर पाया तो वो भी आने वाली वीडियोज़ में आप देख पाओगे। और इस वीडियो में अगर आप मेरा ओपिनियन आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मन में कुछ सवाल हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरी बातों से मैच ना कर रही हो वो भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं चाहता हूँ आपके ओपिनियन को जानना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।